हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। टूडे आई एम गोइंग टू शो यू कि मैं खाना पीना कहाँ से लेती हूँ, सब्जियाँ कहाँ से लेती हूँ, बाकी भी जो राशन का सामान होता है वो कहाँ से लेती हूँ। और उसी के लिए मैं बस लेने आई थी, बट बस की सर्विसेज कुछ तो बंद है और मेरी अभी क्लास ओवर हुई है, तो मैं सीधा यहीं पे आ गई थी बिकॉज स्टॉप इज़ वेरी क्लोज टू माई यूनिवर्सिटी, तो मैं सीधा इधर आ गई थी। बट अभी मैं करने जा रही हूँ कैब और मेरा भाई भी जा रहा है मेरे साथ। हम लोग सारा खाना ले आएंगे, एक महीने का, एटलीस्ट एक महीने का, सो दैट हमें बार बार ना जाना पड़े। सो आई एम रियली एक्साइटेड। मैं बहुत बार यहाँ से ला चुकी हूँ, पिछली बार भी आई ट्राइड मेकिंग वीडियो, लेकिन किसी ने तो बीच में रोक दिया था कि आप वीडियो नहीं बना सकते। पता नहीं क्यों, मैंने तो बहुत सारी वीडियोज़ देखी यूट्यूब की, तो आज मैं छुप छुप के वीडियो बनाने वाली हूँ। लेट्स सी, अगर किसी ने बोला तो ठीक है, वरना मैं ऐसे ऐसे छुप छुप के बना लूँगी। तो वी आर गोइंग और अभी मैं सिटी सेंटर में हूँ, सारा पूरा इलाका भरा हुआ है, सब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं, किसी की क्लासेस ख़त्म हुई हैं, कोई अपने काम से घर जा रहा है, तो इसीलिए काफ़ी क्राउडेड हो रखा है अभी। एंड आई एम वेटिंग फॉर माई कैब और उसके बाद मैं जाऊँगी। एंड यू कैन सी पिम्पल, यार यहाँ का पानी ना कुछ तो मुझे सूट नहीं कर रहा है, बाल भी काफ़ी टूट रहे हैं और ये पिंपल भी हो गए हैं। तो लेट्स सी, थोड़ा अपना स्किन केयर बदलना पड़ेगा मुझे लगता है, या फिर कुछ चीज़ें। एक तो मैं ना ड्राई फ्रूट्स बहुत खा रही, भूख लगती है और मैं सीधा ड्राई फ्रूट्स खा लेती हूँ, तो मुझे लग रहा है कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ड्राई फ्रूट्स मेरे अंदर जा रहे हैं और उसके चक्कर में मेरे को इतने सारे पिम्पल हो रहे हैं। तो मैं देखती हूँ मेरी कैब आई है कि नहीं आई। तो आज यहाँ पे भी ट्रैफिक लगा हुआ है दिल्ली की तरह, सारी बसेज आपस में टकरा रही हैं और इसी चक्कर में शायद मेरी कैब थोड़ी सी लेट हो गई है, पता नहीं, भगवान जाने, कुछ तो स्ट्राइक वगैरह हुआ है, वरना इतनी भीड़ तो मैंने नहीं देखी। सारी बसेज ऐसे 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 करके लाइन से खड़ी हुई हैं। तो यस, लेट्स सी कितनी देर में आती है मेरी कैब एंड देन हम जल्दी से चलते हैं। दूसरी अपडेट ये है कि यहाँ ठंड अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आज बहुत ठंड है, मतलब सुबह 4 डिग्री था और अभी 9 डिग्री हो रखा है और बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ती ही जा रही है। और लेट्स सी, मैं आज जैकेट नहीं पहन के आई थी क्योंकि बहुत पास में और क्लास में ऐसे भी ठंड नहीं लगती है, बट अभी मेरे को बाहर निकल के लग रहा है कि मुझे एक जैकेट ले लेनी चाहिए थी। अब आगे से मैं अपने बैग में एक जैकेट हमेशा रखने वाली हूँ, क्योंकि अगर कॉलेज से ही कहीं जाना पड़ेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। बट ठंड में मज़ा आ रहा है, मतलब बड़ी जल्दी एक्सपीरियंस कर ली। अभी अक्टूबर चल रहा है, इंडिया में भी थोड़ी थोड़ी ठंड शुरू हो गई है। मेरे मम्मी पापा बोल रहे थे कि काफ़ी हवा ववा चलना शुरू हो गई है ठंडी रात में, और यहाँ तो प्रॉपर जैसे अपने यहाँ जनवरी में ठंड होती है वैसी ठंड आ गई है, हाथ मेरे फ्रीज हो रहे हैं। एंड लेट्स होप जल्दी से कैब आ जाए। और ऑलमोस्ट 45 मिनट्स बाद मेरी कैब आई। सच्ची मेरा दिल कर रहा था मैं वापस चली जाऊँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी थी, बट क्योंकि मेरा भाई पहुँचने ही वाला था तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं जल्दी से कैब में बैठी और उसके बाद जो मुझे आराम मिला है ना, मतलब बहुत ठंड लग रही थी और मैंने भैया से बोला जल्दी से मुझे ले चलो, क्योंकि मेरे भाई का 2 बार कॉल आ गया था। दूसरी बात यार, यहाँ पर ना चारों तरफ कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से भी काफ़ी मतलब ट्रैफिक हो जाता है कभी कभी। फाइनली आफ्टर 1.5 आवर मैं पहुंच गई हूँ, क्योंकि कैब आने में ही आधे घंटे से भी ज़्यादा लग गया था एंड माई ब्रदर इज वेटिंग। माय ब्रदर इज वेटिंग विद समोसा। समोसा कहाँ से लिया? वहाँ मैं और क्या करता, आधा घंटा खड़ा होकर। अरे यार, सबसे पहले मैं खाऊंगी समोसा, ये मुझे बहुत भूख लग रही है, और उसके बाद हम जाएंगे। और समोसा खाते खाते हम जल्दी से अंदर गए। अब मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाऊंगी जो मैंने इससे पहले वाले दिन ली थी, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। उस दिन दिन था तो ये ऐसे पूरा
सब्जी के लिए लगता है, आप सब्जी ले सकते हो। उसके बाद आप अंदर स्टोर में जाते हो और इस स्टोर का नाम है वॉरले। आपको हर चीज़ मिल जाएगी, जैसे कि आपको दिख रहा होगा बहुत सारी दाल है यहाँ पे, हर टाइप की दाल है, मतलब ब्लैक येलो वाली सब तरीके की दालें हैं यहाँ पे, मतलब इतनी वैरायटी हैं कि मेरे को खुद को नाम नहीं पता इनका। तो आप जो भी खाते हैं आपको यहाँ मिल जाएगा पॉसिबली, और रेट भी काफ़ी सही हैं, अच्छे खासे हैं। तो ऐसे लाइन से लगा रहता है, जो भी आपको चाहिए आप उसको रख लो। तो ऐसे ही ये यहाँ पे मसाले हैं सारे, लाल मिर्च और भी जितने भी टाइप के मसाले आते हैं ना, मतलब मैंने तो देखे भी नहीं थे इतने टाइप के मसाले जो मैंने यहाँ पे देख लिए, सारे इंडियन मसाले मिलते हैं यहाँ, पाव भाजी का और बहुत और भी सारे मसाले थे, आप देख लो वीडियो में, मैंने इसलिए सब रिकॉर्ड कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो राइस है, और राइस भी बहुत सारे ब्रांड्स का राइस आपको मिल जाएगा, जिस ब्रांड का आप खाते हैं आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और भी वैरायटीज़ हैं राइस के, और थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ पे गोलगप्पे हैं, हम गोलगप्पे भी ख़रीद के लाए थे हल्दीराम्स के, बहुत टेस्टी थे। फिर आटा आ जाता है, आटे में भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जो दिल करे आपका, जो आप खाते हैं आप वो वाला आटा ले सकते हैं। और फिर ये आ जाते हैं यूटेंसिल्स। जब मैं आई थी मुझे नहीं पता था कहाँ से लेना है, और मैंने इतनी महंगी प्लेट्स ले ली थी, और बाद में मैंने यहाँ देखा काफ़ी अच्छा। और ये स्नैक्स है सारा, स्नैक्स भी आप ले सकते हो, सारे इंडियन स्नैक्स मिलते हैं यहाँ पे। अभी फास्ट आने वाला है, उसके लिए भी सब लगा रखा था इन्होंने यहाँ पे, सारा जितना भी वॉशिंग का सामान है वो था, और ये इतना सारा सामान हमने बटोर लिया था लेने के लिए, पॉलीथिन्स में डाला। उसके बाद हम वापस जाने लग गए, और ये मार्केट अभी लगी हुई है ये बाहर, जो वेजिटेबल्स वाली मैंने दिखाई। मेरे प्यारे भाई ने आज सारा सामान दिलवाया है, बहुत खर्चा हो गया यार, मैंने बहुत खर्चा करवा दिया, लेकिन ये बहुत कम आता है तो इसके लिए तो ये कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं। और अब वापस से हमारी कैब आ रही है, और उसके बाद सबसे पहले हम इसका सामान लेंगे और फिर हम जाएंगे हमारे घर, मतलब मेरे घर। तो जल्दी से चलते हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है बाहर, कुल्फी जम रही है, तो इसीलिए जल्दी से सामान ले कर, बहुत सारे पॉलीथिन्स हो गए हैं और हम कैब के अंदर रखेंगे एंड देन वी आर गोना गो। और ये सारी पॉलीथिन्स थी जो हमें कार में सेट करनी थी। कैब आ गई हमारी, धीरे धीरे करके हमने आराम से ये सब रखा, क्योंकि काफ़ी सारा आइटम ऐसा था जो गिरने के बाद ख़राब भी हो सकता था। और उसके बाद हम वापस निकल गए, मेरे तो हाथ एकदम ही मतलब ऐसे कुल्फी बन गई मेरे हाथों की ठंड के मारे, और मैं सोच रही थी जल्दी से घर जाऊँ क्योंकि मेरे रूम में बिल्कुल ठंड नहीं लगती है। फाइनली आई एम बैक होम, और ये सारा सामान मैं ये से भर के लाई हूँ, लिटरली इतना सारा सामान हो गया था ना, इतनी मुश्किल से लाई हूँ, ये मेरे भाई का थोड़ा सा सामान था, आज तो हालत ही ख़राब हो गई। प्लीज़ ये भी सामान रह गया है, और ये सारा सामान मैं निकाल चुकी हूँ, वहाँ पे सारे मसाले हैं, और ये मेरी राधु बैठ गई है आके यहाँ पे, ये सारे मसाले हैं, और ये है, ये मैंने मैगी वगैरह ली है, ये है चावल, और आटा 1000 रुपये का है, और ये जितनी भी इस तरीके की दाल हैं ये 400 रुपीज़ की हैं, और यहाँ पे काफ़ी रीज़नेबल मिलता है, मतलब अगर आप बाकी मार्केट से कंपेयर करो तो। ये सब मैंने चीज़ें ली हैं, इसमें देखो इसमें और क्या क्या बचा है, ये है इसमें सारे, ये ऑयल हैं, ये देखो ये लिया है हमने। उसके बाद ये यहाँ पे ये कॉफ़ी ली है, सारा पाउडर, ये यार अहमद का अचार आता है और ये इतना टेस्टी है, मतलब मेरे को अचार खाना पसंद है तो ये आम का अचार है, एंड दिस इज़ यम, बहुत टेस्टी है। ये कुछ तो मेरे भाई ने लिया है, ये जितनी भी फैशनेबल चीज़ें हैं ना ये एक और अचार है जो मैंने अपने ले लिया है। तो ये जितनी भी खाने की ऐसे आइटम्स हैं ना, ये सब मेरे भाई ने लिए। ये चाय, जो लोग मेरे इंस्टा पे फॉलो करते हैं उन्हें पता ही होगा मैं चाय का कितना शौक है ये। उसके बाद ये सारे बिस्किट्स लिए हैं, इसमें हैं सब्जियां, जो ये सब्जियां लिए हैं हमने, और फिर इसमें कर्ड लिया है, और भी एक दो चीज़ें हैं, ये दाल वगैरह, ये लाल मिर्च, मतलब आपको A to Z सब मिल जाएगा। ये हमने
वॉश करने के लिए लिया। तो यही सारा सामान था जो मैंने सोचा आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये मैंने पूरे महीने का, मतलब जो भी मैं पूरे महीने में जितना यूज़ होगा उतना ले आई हूँ, क्योंकि बार बार वहाँ पे जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और शुरू में मैंने क्या गलती करी, मैंने यहाँ से जो लोकल स्टोर होते हैं वहाँ से चीज़ें ले ली, और वो बहुत महंगी थी। मतलब जो प्याज आपको 100 रुपये की यहाँ मिल जाएगी वो ऑलमोस्ट 250 की वहाँ पे थी। तो मेरे को शुरू में इतना आइडिया नहीं था, मैंने मेरे को थोड़ा थोड़ा सामान लेना था, बट देन आई रियलाइज, और मेरे भाई ने भी बोला कि ऐसे ऐसे सामान लेते हैं, तो इसीलिए मैं पूरे महीने का सामान एक साथ ले आती हूँ, जिससे बार बार मुझे ना जाना पड़े। आज वो था भी तो मेरी हेल्प हो गई, क्योंकि एक एक बंदा इतना सामान तो नहीं ला सकता है, तो इसीलिए। बाकी काफ़ी अफोर्डेबल है, और स्टोर का नाम था वॉरले। यहाँ पे कुछ एक स्टोर से जैसे वॉरले हो गया, आस्था हो गया, फिर सनराइज हो गया, यहाँ पे आपको सारे इंडियंस मोस्टली मसाले, जो जो चीज़ें आप यूज़ करते हो इंडिया में, वो आपको इजीली मिल जाएगा और काफ़ी अच्छे रेट पे मिल जाएगा। और इस बार तो मैं इतना एक्साइटेड थी, मैं गोलगप्पे वगैरह भी ले आई, मेरे को दिखे तो मुझे लगा यार बनाते हैं, आई डोंट नो कैसे लगेंगे ये, इंडिया जैसे तो नहीं लगेंगे, बट हाँ मतलब मेरे को थोड़ी सी क्रेविंग हो रही थी तो मैं ले आई। और चिप्स, जो स्नैक्स हम इंडिया में खाते हैं, वो यहाँ के लोकल जो चिप्स वगैरह होते हैं मुझे इतने बेकार लगते हैं, मतलब टेस्टलेस होते हैं, या फिर उसका जो मसालों का जो वो होता है ना पूरा, वो अच्छा नहीं होता है, मीठे मीठे से होते हैं। तो इसीलिए मैं इंडियन जितने भी कुरकुरे वगैरह थे, बाकी सब चीज़ें थी, वो सब ले आई थी, कि जिससे कि मुझे बार बार ना जाना पड़े, क्योंकि मैं जब चाय पीती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ चाहिए होता है। और जैसे कॉलेज भी जाती हूँ ना मैं, तो कभी कभी दिल करता है यार कुछ खा लो, क्रेविंग होती है, तो आराम से एक पैकेट डाला एंड यू आर गुड टू गो। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट इट। बहुत मज़ा आया आज, ठंड के मारे जो कुल्फ़ी बनी है ना आज, ये पहली ठंड थी जिसमें मैं लिटरली कांप गई, अभी तक की इससे ज़्यादा ठंड मैंने भी नहीं देखी, और अभी तो इतनी ठंड आएगी, मेरा भाई बता रहा था 4 जोड़ी कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मतलब कैसा लगता है, क्योंकि मुझे तो बड़ी ठंड लगती है। एंड अब मैं ये सारा सामान रखने जा रही हूँ, क्योंकि आज सुबह से थक गई, पहले मैं क्लास लेने गई थी, मेरी सुबह से 5 बजे तक क्लास थी, और अब उसके बाद मैं अब जा रही हूँ सारा सामान सेट करने। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो इस वीडियो में, और मैंने कुछ कुछ क्लिप्स ऐड करी हैं, जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ पे ना थोड़ा लाउड नहीं होता है, वो लोग देखते रहते हैं, फिर भी मैंने बना ली हैं थोड़ी बहुत क्लिप्स, और वो सब ऐड कर दूँगी मैं। स्टोर का नाम, लोकेशन वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जिससे कि आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कि कहाँ पे है। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए। अगर आप UK आ रहे हैं, स्पेशली बर्मिंगम, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, पर्सनल क्वेश्चंस पूछने हो, कोर्स रिलेटेड या बाकी कुछ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।